थोड़ा पीछे क्यों टूट जाएगा, थोड़ा पीछे क्यों टूट जाएगा। अरे भैया एक मिनट डब्बा बना ले। हां तोड़िए तोड़िए उसको, उसको अंदर नहीं उसमें देखेंगे। पता चला कि यो न्यूज़ है। आप बना दो सोनू के मुख्यमंत्री आए थे उसी दिन इसकी जिंदगी बदल जानी चाहिए थी। जी 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 7 दिन हो गया जी, भूसा कल निकला जी, ताला लग गए जी। पप्पू यादव आज सोनू के गांव पहुंचे थे। बता दें कि कल हेडलाइंस बिहार की टीम सोनू के स्कूल पहुंची थी और वहां दीपक सर से मुलाकात किया था, जिसके बाद से उनका वीडियो वायरल हो गया और अब तमाम मीडिया कर्मियों का कैमरा सोनू के स्कूल में जा पहुंचा है। नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ओझा है। आज पप्पू यादव जब सोनू के स्कूल में पहुंचे तो वहां शिक्षक फरार थे, स्कूल के बाहर ताला लटका दिया गया था। तो क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, आप इस वीडियो में देखिए। पप्पू यादव स्कूल में पहुंच गए हैं और ये तस्वीर है। अब पूरी जान के ताला मारा गया है, बेंच वेंच नहीं है ना, इलेक्ट्रिक का बोर्ड है, देखिएगा जरूर। पीछे वाला रूम बता दे रहे हैं पहले ही, पंखा देखिए पहले पंखा। हम लाइव क्यों है, अजीब हाल है। तोड़िए तोड़िए उसको, उसको अंदर नहीं है देखिए। पता चला कि यो न्यूज़ है। अपने सोनू के स्कूल में जी सोनू के स्कूल में पप्पू यादव पहुंचे हैं और यहाँ की स्थिति से और यहाँ के जायजा ले रहे हैं पप्पू यादव। स्कूल हमने आपको पिछले दिन दिखाया था किस तरीके से जो है वो लोग जो स्कूल में आए थे। सोनू भी साथ में है पप्पू यादव के, खुद गोद में उठा लिया पप्पू यादव ने। आप कल ही से बोल रहे थे कि सर कब आएंगे, सर कब आएंगे, याद है सर? सर सर आप फोन पे बात किए थे कल और बोले थे कि सर आप कब आएंगे, मदद कर ले। सुनो पप्पू यादव जी के गोद में हो अभी, तुमको उन्होंने आश्वासन भी दिया, क्या कहोगे भाई? माइक धन्यवाद दूंगा। अरे थोड़ा आराम से रखो ना यार। बहुत ही धन्यवाद दूंगा। रुक जाओ ना, बोल रहा तो। बहुत ही धन्यवाद दूंगा। अच्छा स्कूल देखने दे, ये क्या है दोनों रूम क्या? ये किचन है, किचन है, रसोई एक तरह बेरेदा व्यवस्था नहीं है सर, दूसरा जर्जर है। अरे माइक, हालांकि कल भूसा रखा हुआ था इसमें, कल हमने आपको दिखाया था कि इसमें भूसा रखा हुआ था और आज खोल दिया गया क्योंकि नेताओं आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके बाद जो है स्कूल प्रशासन ने इस किचन को खोला है। हमने आपको कल दिखाया था कि कल किस तरह से इसमें भूसा था और आज बेशक खुला है लेकिन किचन और जो मिड डे मील के तहत जो बच्चों को खिलाया जाता है वो न कल दिखी, चूँकि आज मॉर्निंग स्कूल है, छुट्टी भी हो गई है बच्चों की, इस वजह से तो देखना तो मुमकिन ही है। खिड़की पकड़ने से देखें, थोड़ा पीछे क्यों टूट जाएगा? कमजोर है, कमजोर है, पुराना है, कमजोर है, ऊपर ऊपर ये भी कमजोर है। एक चेयर मंगा दीजिए, कुर्सी मास्टर के लिए तो बड़ा तगड़ा कुर्सी है। टीचर के लिए अच्छी कुर्सी है, ऊपर से भी सब झड़ा हुआ है। सर इसके लिए फंड भी होता है समिति के माध्यम से, ये लोग उपयोग नहीं करते। जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे उसी दिन इसकी जिंदगी बदल जानी चाहिए थी। जी 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 7 दिन हो गया जी, भूसा कल निकला जी, ताला लग गए जी। आज छुट्टी का दिन है क्या? छुट्टी का दिन नहीं है सर, स्कूल खुला हुआ था, स्कूल खुला हुआ था मॉर्निंग है सर। स्कूल फिर चले गए बंद करके, चले बंद करके, दो ही शिक्षक है और एक जो प्रिंसिपल है वो आते नहीं है। डेस्क है ना बेंच है सर, कुछ बोलना चाहते सर? एक चीज जो 6800 मिडिल स्कूल नहीं है बिहार में जी, और 4700 लगभग हाई स्कूल नहीं है बिहार में जी, और मात्र 32% ही क्वालिटी और क्वांटिटी वाला टीचर भी नहीं है, नहीं है। लेकिन सर पंचायत शिक्षकों की बहाली तो सरकार के द्वारा ही है भैया, मेरे तो हाँ है, उनको तो पूछिए। हम लोगों ने नीतीश कुमार 16 पद यात्रा की है विकास, हरियाली यात्रा, सात दिन से यात्रा,
समाज सुधार योजना। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन आया है, इसके तहत बच्चों को कम से कम शिक्षा मिलनी चाहिए, संवैधानिक खतरा। राइट टू एजुकेशन का मतलब हिंदुस्तान समझता है हिंदू में, राइट टू एजुकेशन का